बिहार के सियासत से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देखिए एक्सक्लूसिव जानकारियां इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। आरजेडी विधायक दल की बैठक से पहले लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दिया है। आरजेडी सुप्रीमो ने कहा है कि पहले वो गठबंधन नहीं तोड़ेंगे, अगर नीतीश गठबंधन तोड़ते हैं तो बहुमत का आंकड़ा उनके पास है। देखिए अपने आप में एक बड़ी खबर है। लालू प्रसाद यादव पटना में है और लालू प्रसाद यादव पूरी रणनीति पर काम कर रहे हैं और बिहार में सियासी घमासान जारी है, तरह तरह के कयास लग रहे हैं। इन सब के बीच लालू प्रसाद की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। बहुमत का आंकड़ा आरजेडी के पास है, अगर नीतीश गठबंधन तोड़े तो लालू पत्ता खोलेंगे। लालू प्रसाद यादव ने क्लियर कर दिया। देखिए आरजेडी विधायक दल की आज बड़ी बैठक बुलाई गई है और आरजेडी विधायक दल की इस बैठक में लालू बड़ा खेला करने की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि आज ही शाम तेजस्वी यादव राजभवन मार्च करें और राजभवन पहुंचकर तेजस्वी यादव ये दावा करें कि बिहार में वो सरकार बनाएंगे, बहुमत का आंकड़ा उनके पास है। ये बड़ा खेला बिहार में लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती भाईचारा रही, लेकिन अगर गठबंधन टूटा तो नीतीश को बड़ा झटका लालू प्रसाद देंगे। लालू यादव ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा मौजूद है। कितना होना चाहिए? 122 विधायकों का समर्थन चाहिए बिहार में सरकार बनाने के लिए। 243 विधायकों वाला ये प्रदेश है बिहार, जहां आरजेडी के पास मौजूदा समय में अगर वर्तमान की बात की जाए जेडीयू को छोड़कर तो 114 विधायक महागठबंधन में हैं और 8 कदम दूर है तेजस्वी सत्ता से। तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के भी एक समर्थन विधायक दे सकते हैं। यह बड़ी खबर। जीतन राम मांझी से भी संपर्क लालू प्रसाद यादव लगातार बनाए हुए हैं। अगर आप ये कहें कि जीतन राम मांझी अगर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो दायरा और कम हो जाएगा, यानी कि 114 विधायकों के समर्थन वाले तेजस्वी अब आंकड़ा पार करके सीधे 119 पर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा तेजस्वी यादव को सरकार बनाने के लिए बिहार में 3 और विधायकों की जरूरत पड़ेगी। निर्दलीय सुमित सिंह को भी काउंट करके लालू प्रसाद यादव चल रहे हैं। 2 कदम दूर तेजस्वी। लालू प्रसाद ने इस बीच अनाउंसमेंट कर दी है कि अगर नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ेंगे, अगर गठबंधन का धर्म तोड़ेंगे तो लालू प्रसाद यादव पत्ता खोलेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव की भी बड़ी रणनीति है। लालू ने तेजस्वी को हर फैसले लेने का अधिकार दिया है और लालू लगातार अपने विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले लालू प्रसाद यादव ने फोन पर बातचीत की थी लेफ्ट के विधायकों से, कांग्रेस के विधायकों से, और अब तेजस्वी ने तमाम विधायकों को पटना बुला लिया है। आरजेडी विधायक दल की यह बैठक है जहां नीतीश कुमार के कुर्सी पर बड़ा फैसला आरजेडी ले सकती है। इधर आरजेडी ने कहा है कि फिलहाल ऑल इज वेल करने की कोशिश लगातार जारी है। नीतीश ने ना तो कोई आधिकारिक घोषणा अब तक की है, ना ही इस्तीफा देने की बात कही है। बिहार में सरकार चल रही है। नीतीश कुमार बक्सर के दौरे पर हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो पत्ता खोलेंगे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।